गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता कीर्ति। तो आप सब कैसे हैं बताइए। हम लोग ठीक है। ये देखिए नींद में एकदम लटपट कर रहे हैं। ये देखिए तो आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पड्डीचेरी के लिए। उससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उससे पहले आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना और मेरे पेज को भी फॉलो कर लेना। तो यहाँ से पड्डीचेरी जाएंगे तो वो कैब में जाएंगे, 4 घंटा लगेगा। तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग देखते रहिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आज फाइनली मुझे पूरी मिल गया है। डोसा मतलब खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। बट ये इधर देखिए, मतलब पूरी के साथ सब्जी नहीं है, डोसा के अंदर जो फीलिंग होता है वो ही दे दिया पूरी के साथ भी। हालत देखिए। और मेरे हस्बैंड को देखिए, मतलब जब से आए हैं डोसा इडली खाए जा रही है फिर भी उनका मन नहीं भर रहा है, मतलब क्या बोलूं। तो आप लोगों को तो पता है जब से आए हैं तब से फ़िल्टर कॉफ़ी पिए जा रहे, जब तक वापस जाएंगे तब तक यहाँ का कॉफ़ी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और हमारा कैब भी आ चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं पांडिचेरी। तो अभी निकल रहे हैं, कैब बाहर खड़ा है, तो अभी मतलब बहुत टाइम लगेगा यहाँ से जाने में, तो जा रहे हैं अभी। तो ये देखिए गाइस, ये तंजावुर बिग टेंपल है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं। तो हम लोग कार से जा रहे थे, मेरे हस्बैंड ने बोला चलो इसका वीडियो लो एक अच्छे से। तो ये देखिए बिग टेंपल जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यही मुझे बेस्ट लगा यहाँ का। तो अभी हम लोग पांडिचेरी आ चुके हैं और अभी फिर से न्यू होटल, मतलब होटल इतना होटल हम लोग चेंज कर रहे हैं, हर रोज़ पैकिंग। मैं बोर हो चुकी हूँ अब होटल चेंज करते। तो ये होटल तो काफ़ी अच्छा है, मतलब रूम अच्छा है, बट बेड का साइज़ देखिए इतना छोटा गाइस, हम लोग सोएंगे कैसे तीनों आदमी, मतलब बहुत मुश्किल होगा तीनों का सोने में। और यहाँ पे हम लोगों को 2 दिन रहना है, इस होटल में 2 दिन रहना है, फिर से चेंज, मतलब मेरे हस्बैंड की है। टोटल हम लोग 5-6 होटल चेंज करेंगे ये 10-12 दिन के, मतलब इसमें मतलब ये जो टूर है हम लोगों का, तो इसमें पता नहीं कैसे सोएंगे हम लोग। तो आज मेरा बेटा का एक्चुअली बर्थडे है, तो जा रहे ढूंढ रहे कुछ अच्छा खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे सिर्फ आपको पिज़्ज़ा बर्गर यही सब मिलेगा। और मेरे बेटे को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा आपका फिर फ्रेंच फ्राइज़, देखते हैं क्या मिलता है आसपास में, तो वही खाएँगे हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे मिल गया है हम लोगों का एक पिज़्ज़ा का शॉप, तो ये एक्चुअली लोकल है शॉप, तो यहाँ पे सारा ही लोकल है, बट बहुत रिजनेबल प्राइस में अच्छा ये था। तो हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट बोल रही हूँ खाना हमने ऑर्डर किया है, वेफल्स हैं, फिर आपका फ्रेंच फ्राइज है, फिर पिज़्ज़ा है, बेटा का तो मस्ती मतलब बर्थडे है, बर्थडे बॉय है तो हक भी बनता है उसका। तो हम लोग खा रहे हैं अभी, देखिए फ्रेंच फ्राइज जो काफ़ी टेस्टी है, लोकल प्राइस बहुत कम है गाइस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना प्राइस कम है। ये फ्रेंच फ्राइज ओनली 70 रुपीज़ का था और टेस्टी भी था काफ़ी। तो मेरा बेटा बहुत मतलब चाव से खाया है, तो और ये उसका वेफल भी आ गया है देखिए, और उसके बाद पिज़्ज़ा भी आ गया, तो हम लोग बहुत अच्छा था मतलब रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा खाना मिल गया था। तो
तो मेरा बेटा का फेवरेट फूड है, तो खा रहा है, देखिए कितना मतलब एंजॉय कर करके, फेस देखिए उसका, मुंह देखिए उसका, उसका फेवरेट है एकदम। अभी चॉकलेट वेफल खाया, तो मुंह देखिए और हाथ देखिए, मुझे थोड़ा सा भी दिया नहीं, जैसे कि जबकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है और वेफल तो चॉकलेट का ही होता है, तो वो खा रहा है देखिए, मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया, उसके पापा को थोड़ा सा दिया था। हाथ बुलो, रखा एक बार हाथ बुलो। तो यहाँ पे मॉकटेल भी था जो कि काफ़ी प्राइस कम था, तो मैंने एक ब्लूबेरी मॉकटेल लिया है और ये काफ़ी ठंडा है और मेरे बेटे को ठंडा लग गया, तो मैं नहीं दूंगी, फिर भी उसको थोड़ा सा पीना है एक मॉकटेल का। देखिए उसका पापा एक बार पी रहा है, एक बार वो पी रहा है, एक बार मैं पी रही हूँ, मतलब एक मैं मॉकटेल ली हूँ उसमें भी इन लोगों का शांति नहीं है। यहाँ से हम लोग बेटा का केक लेंगे सोच रहे हैं। तो ये एक चार्ज था, मतलब वो फ्रेंच कॉलोनी में, तो ये बहुत पुराना चार्ज है और मुझे आना ही नहीं था इसके अंदर। मैं मतलब मैं बोल रही थी चलो ना घूमने जाते, बीच जाते हैं, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं नहीं ये बहुत पुराना है, चलो इसका फोटो लो वीडियो लो। तो मैं मूड ऑफ करके ये देखिए अभी वीडियो फोटो ले रही हूँ, जबकि मुझे आना ही नहीं था यहाँ पे। तो ये क्या फ्रेंच कॉलोनी क्या बोल रहे हैं ये देखिए। कोई बेटू ढुके गया तो भेतो रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे। तो फाइनली इतना मतलब चला चला के मेरे हस्बैंड पैदल चलो इधर चलो उधर चलो कर करके फाइनली हम लोग बीच पे पहुंचे, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पे पाइनएप्पल मिल रहा था, वाटरमेलन मिल रहा था, कच्चा मैंगो मिल रहा था, तो मैंने एक मैंगो लिया, तो मीठा था मैंगो, मुझे अच्छा लगा। तो ये रॉक बीच है, तो मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है कि मैं नीचे उतर सकूंगी या नहीं, तो मैं बोल रही हूँ पता नहीं उतर सकूंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, पत्थर के ऊपर ऊपर से चल के नीचे जाना होगा। ब्यूटीफुल प्लेस, इस साइड पे सारा होटल्स वगैरह है जो सी फेसिंग है, हम लोगों को नहीं मिला, और इस साइड पे बीच है, जस्ट अमेजिंग अमेजिंग गाइस। तो मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रही है देखिए, उसका बर्थडे है तो वो एंजॉय कर रहा है, और मैं मतलब कपड़ा गीला हो जाएगा, इवनिंग का टाइम है और मैं वो मतलब नहाने का कपड़ा पहन के आई भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ, पानी में ऐसे ही खड़ी हूँ, मतलब आ रहा है वेव उसी को फील कर रही हूँ। मेरा और मेरा बेटा का मतलब एकदम फेवरेट है, मतलब बीच आने के बाद हम लोग को उठने का मन ही नहीं करता है, मन करता है पानी के अंदर ही रह रहे हम लोग, तो वही कर रहे हैं हम दोनों। इसके पापा ऊपर बैठे हैं, नीचे आए तक नहीं, मतलब बीच में जो पानी का जो पानी को जो एंजॉय करना है वो भी करने के लिए नहीं आए, तो हम दोनों ही किए जा रहे हैं। बेटा अभी तक खेले जा रहे हैं, उसको नहाना है, जबकि अभी बज रहा है 5:50।
टुकड़ा गिर रहा है उसका। इधर देखिए इवनिंग हो गया है तो सब लाइट वाइट ऑन हो चुका है। मेरे हस्बैंड किधर चले गए मुझे नहीं पता। तो इतना ज़ोर से हवा चल रहा है इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बैठने के, मतलब मैं बोल रही हूँ बैठना है मुझे, मैं और चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में छाले पड़ चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं और चलो घूमने आए हैं और चलो, नहीं चल पा रही हूँ मैं यार, नहीं चल पा रही हूँ, फिर भी बोले चले जा, चलना ही होगा। तो मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अब। मैं बोल रही हूँ चलो होटल वापस चलते, वो भी नहीं, बोल रहे तुम लोग चले जाओ मैं यहाँ पर घूमूंगा अभी। तो ये देखिए बीच के साइड पे ही आपका घूमने का तो पैदल चलने का तो जगह है ही, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी है। चल चल के चल से चलो। उधर बाप बेटा का फाइट हो रहा है। अभी भी हम लोग बस चल ही रहे हैं और मेरे हस्बैंड बस चल बोल रही और अच्छा नहीं लग रहा है। बीच में बैठे रहो अलग, खूब सिर्फ हम लोगों को पैदल बोल रहे चलो चलते रहो। उधर बाप बेटा का फाइट हो रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं एक फ्रेंच ये सब शॉप है, तो यहाँ पे पेस्ट्री आपका चॉकलेट फिर आपका केक बहुत अच्छा मिलता है, उसको छोड़ के भी बहुत सारा चीज़ मिलता है जिनका हम लोगों को नाम ही नहीं पता। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे है, चॉकलेट का तो भंडार है यहाँ पे, पेस्ट्रीज का भी है, ये देखिए बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए मेरा बेटा चॉकलेट देख के वहीं पे अटक गया, और आधे चीज़ का तो हम लोग नाम ही नहीं जानते इतना सारा चीज़ है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये हो गया यहाँ पे बर्थडे केक है ही नहीं, मतलब इतना बड़ा शॉप था बट बर्थडे केक नहीं। ये देखिए पेस्ट्रीज है, बट पेस्ट्री तो हम लोग कल रात को ही ऑलरेडी खा चुके हैं, तो आज बर्थडे केक चाहिए काटने के लिए बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बोल रहे कल मिलेगा तो देखते हैं अभी। तो मैं और चल नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड गए केक ढूंढने के लिए और मेरे बेटे को जूस पीना था। तो ये देखिए वो मौसमी जूस पी रहा है, पता नहीं उसको जूस इतना कब से अच्छा लगने लगा है, जब से यहाँ पे आया है जूस पिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। तो मैं वही कर रही हूँ, उसको जूस पिलाने के लिए बैठी हूँ। तो हम लोग का ये है बेटा का बर्थडे है, ये देखिए जैसे तैसे केक अरेंज करके लाए हैं, देखिए। तो अभी केक कटिंग करेंगे क्योंकि है तो होटल में, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, रुकिए। तो ये रहा केक, ठीक करो बस। और ये देखिए बैठा है दोनों आदमी, केक कटिंग करेंगे। तो रुकिए पहले कंडे लगाते हैं क्योंकि हम लोग होटल में हैं, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोग घूमने ही आए हैं प्लान करके। दाड़ा
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear babe to you. मेरे हस्बैंड को अचानक क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो बर्थडे सॉन्ग जो है उसको भूल गया है इंग्लिश वाला, अचानक देख रही हूँ हिंदी वाला गा रहे, फिर बाद में बता रहे हैं मुझे क्या हुआ था नहीं पता। Happy birthday to be to you have to take small piece of माखाओ 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 टिश्यू दियो मुझे बे, एकटू एकटू लगाओ। हरामी मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, बेटू को लगाओ, लगाओ बेटूर गलर मध्य। দাঁড়া 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 দাঁড়া, আমি যখন ওইদিকে ফ্রন্ট ক্যামেরা করবো তখন দিবি আমাকে, বলছি ওর মুখে লাগাতে। কম কম লাগাবে, बता दिया बेटा अब तू खा, तू तो खिला मुझे। तो यही था मतलब होटल में, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, घर में भी कुछ नहीं करते, ऐसे ही करते हैं, खीर वीर बनाते हैं, सब करते हैं। तो बेटा खा छोटो रेडीमेड है, देखिए पागल अपना केक खुद ही खा रहा है बैठ के। बोललाम प्लेटটাই করে নিয়ে যেতে। দেখো কি খাচ্ছিস, ছোটা সা ইসমে ডেয়ারি মিল্ক দিয়া হুয়া থা, ও খা রহা হ্যায়। তো ইসি কে সাথ আজ কে ব্লগ এন্ড করতে হ্যায়, কিউকি ক্যা হুয়া চল চল কে মেরা পুরা প্যার মে, ইস প্যার মে পাঁচ, ইস প্যার মে পাঁচ, ইয়ে হো গিয়া ক্যা বলতে হ্যায় উসকো, ছিল ছিল মতলব ক্যা বলতে হ্যায়, ফুসকা কো ক্যা বলতে হ্যায়, छाले पड़ गए हैं पैर में। तो इसी ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, हम लोग खाना वाना खाएंगे, कहाँ खाएंगे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मेरा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो देखते हैं मेरे हस्बैंड कहाँ क्या खाना लाएंगे क्या लाएंगे। तो ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। मेरे बेटे को बर्थडे विश कर देना, देखिए हैप्पी बर्थडे लिख देना कमेंट्स में जरूर, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी चलते हैं, बाय, रखते हैं, बाय।